नहीं रहे कि एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। इटावा की जनता जात धर्म से उठकर ज्योति गुप्ता को वोट करने जा रही है, ये कहीं निकल जाइए, किसी बच्चे को भी पूछो तो कहेंगे संजू गुप्ता को वोट दे, किसी बच्चे को पूछ लीजिए आप देखिए, अगर मैं गलत कह रहा हूँ, बहुत जबरदस्त, ऐसा कभी समर्थन नहीं मिला जैसा अभी मिल रहा है। लेकिन लोग तो नाराज है, बताया जा रहा है कि लोग नाराज नहीं, समय पे आपने आखिरी समय पर सीट बदल दी है। अरे इसे हुसैन के पास नाराज, मुसलमान तो नाराज हो रहा है, कोई मुसलमान नाराज है, आप लोग बातें कर रहे हैं, देख रहे सारे मुसलमान तो यही बैठे, सारे इम्पोर्टेंट मुसलमान बैठे, कोई मुसलमान खिलाफ नहीं, 99% मुस्लिम ज्योति को वोट देगा, आप देख लीजिए। आपने बताया कि केंद्र में जो 2024 का चुनाव है, अगर बीजेपी हटती है तो माना जाए सरकार पे खतरा है। अच्छा ये बताइए, 77 में लोग काम करते हैं, बोलो पूछो कुछ और, कर्नाटक में क्या लग रहा है, जिस तरह कर्नाटक तो कांग्रेस जीतने जा रहा है, बीजेपी कहीं है ही नहीं, प्रधानमंत्री बेचारे भागा भाग लगे, आज पहले दौर का चाहे जहाँ चुनाव प्रचार थम गया है, अब हम वो लोग दोनों बहुत दूर है, उसे छोड़ो, इटावा की बात करो, आपने जिस तरीके से विपक्ष को लेकर कहा है विपक्ष एक साथ लड़ेगा, मगर बार बार विपक्ष सामने चुनाव आता है तो अरे आने दो, वक्त आने दो, जब सही वक्त आएगा तो सही निर्णय होगा। निकाय चुनाव को साथ ही आपने 2024 को भी टारगेट किया, क्या कहेंगे 2024 को सब कुछ 2024 को ना, क्या चुनाव का मतलब, ये तो राजनीतिक तैयारी है, तो माना जाए 2024 के लिए विपक्ष में कौन सा पीएम पद के लिए दावेदार चेहरा होगा, ये तो बाद में देखना, अभी मत पूछो, प्री मेच्योर कोई वो मत किया करो, हो गई ऐसा है, ये समाजवादी पार्टी है, जात धर्म के आधार पर कोई फैसला नहीं लेती है, जो अच्छा काम करेगा जीतने वाला उसको टिकट दिया, और टिकट हमेशा बदली जाती है, पार्टी बदली जाती है, नई चीज है। शरद पवार अरे शरद पवार ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, एक कमेटी बना दी, दूसरा अध्यक्ष बन जाएगा, शरद पवार साहब का बहुत देश के सबसे सीनियर नेता है, आज के तो बहुत समझदार नेता, समझ शरद पवार को कोई ठीक समझ नहीं पाएगा आखिर तक, उनका जो भी डिसीजन होगा सही होगा, पूरे विपक्ष को ये करने का काम करेंगे आप, वो तो कर ही रहे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही थी, उनके प्रदेश के प्रवक्ता आए थे, पार्टी हमारे